हबक्कूक तीसरा अध्याय 17 और 18 पद पे भविष्यवक्ता हबक्कूक एक बहुत बड़ी बात को कह रहा है कि ऐसे संकट के समय, ऐसी कठिन परिस्थितियों के समय, ऐसे अकाल के समय, ऐसी भूखमरी के समय मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, ऐसी कठिन समय में भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी परिस्थितियों की ओर नहीं देखूंगा, मैं अपनी परिस्थितियों पर भरोसा नहीं करूंगा, परंतु मैं अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करूंगा, वो मुझे सामर्थ्य दे है और जब मैं उस पर भरोसा करूंगा तो उसकी सामर्थ के द्वारा मेरे जीवन में आनंद आएगा और मेरे जीवन में प्रसन्नता आएगी। चाहे मेरी परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे हमारे देश में पूरा अकाल क्यों ना हो, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, चाहे मेरे पास खाने के लिए एक भी दाना ना हो, परंतु उस समय भी मैं अपने जीवित परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखूंगा और उसी के द्वारा मुझे आनंद मिलेगा, वो मेरे दुख को आनंद में बदल देगा। आगे लिखता है वो मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान कर देगा और मुझे ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा। ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ऐसे जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो अकाल के समय, भूखमरी के समय, सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक उम्मीद रखता है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी यदि जो कोई उस पर भरोसा रखे वो उसके लिए फिर से अद्भुत कामों को करता है, वो फिर से उसके लिए आकाश के झरोखों को खोल देगा, वो फिर से उसके लिए इस बांज भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल देगा, जो कोई उस पर भरोसा रखेगा। हबक्कूक यहां पे एक बात को सीख रहा है या फिर वो बाकी लोगों को सिखा रहा है, हालांकि हमारे जीवन में परिस्थितियां हैं, हालांकि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं, हालांकि हमारे देश में अकाल पड़ चुका है, हालांकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, परंतु हम फिर भी अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखेंगे, हम फिर भी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, वो हमें फिर से ज्यों का त्यों करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा समय आता है या फिर कभी भविष्य में आ सकता है जब हमें ऐसे कठिन समय से गुजरना पड़े, या फिर शायद कुछ लोग इस समय इस कठिन दौर से गुजर रहे होंगे और उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, मानो कि जैसे अकाल पड़ गया हो उनके जीवन में और सब कुछ खत्म हो गया हो, मानो कि उनकी फसलें जैसे उगने पर ही थी, वो काटने पर ही थे, परंतु बारिश या फिर बहुत तेज हो गई या फिर बारिश हुई नहीं और फसल नष्ट हो गई और जिस चीज की उन्होंने आस लगाई थी उनकी आस टूट गई। या फिर हो सकता है किसी के जीवन में ऐसी बड़ी परेशानी हो कि मानो कि उसका जीवन खत्म होने पर हो, मानो कि उसको खाने के लिए एक दाना भी ना हो। हो सकता है कोई अपनी आर्थिक तंगी में हो, कोई शारीरिक परेशानी में हो, कोई मानसिक परेशानी में हो, कोई सामाजिक तौर पर परेशान हो, परंतु मेरे प्रियो वचन कहता है, बाइबल बताती है, हबक्कूक भविष्यवक्ता इस बात को कहता है कि चाहे मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे मेरे जीवन में कैसे भी कठिन समय क्यों ना चल रहा हो, परंतु फिर भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखूंगा और जब मैं उस पर भरोसा रखूंगा तो मैं उसमें आनंदित रहूंगा और उसमें प्रसन्न रहूंगा। अपनी परिस्थितियों के कारण वो आनंदित नहीं है, अपनी परिस्थितियों के कारण तो वो दुखी है, परंतु यहोवा के कारण वो आनंदित है, परमेश्वर के कारण वो आनंदित है, क्योंकि वो जानता है कि जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। वो पत्थर से पानी निकाल सकता है, जंगल में मार्ग बना सकता है, निर्जल भूमि में जल की धाराएं बहा सकता है, बंजर भूमि पर वो फसलें उगा सकता है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालांकि अकाल है, हालांकि कठिन परिस्थितियां हैं, हालांकि परेशानियां हैं, परंतु हमारा परमेश्वर उन सब से भी बढ़कर है और उसके कारण हम आनंदित होंगे, उसके कारण हम प्रसन्न होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर मुझे इस कठिन समय से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, मेरा भरोसा उस चट्टान पर है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, परंतु मेरा घर नहीं टूटेगा, मैंने अपना घर रेत पे नहीं बनाया है अभी चट्टान पर बनाया है, और मेरी चट्टान कौन है, मेरा चट्टान मेरा प्रभु यीशु मसीह है और उस पर मैंने अपना घर बनाया है। चाहे तूफान आए, चाहे अकाल आए, चाहे
चाहे बाढ़ आए, कुछ भी आए, परंतु मेरा मकान जो मैंने बनाया है वो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो चट्टान पर मैंने बनाया है। प्रभु ने चट्टान पर मेरा घर बनाया है। मेरे प्रियो, ऐसे समय में अपना हियाव न छोड़ें, अपना मन को कच्चा न करें। कभी यदि आपके जीवन में ऐसा समय आ जाए तो अपने मन को कच्चा न करें, हियाव न छोड़ें, दृढ़ता से परमेश्वर को उस समय थामे रहें, और तब वो आपके लिए अद्भुत कार्यों को करेगा। वो आपको उस कठिन समय से बाहर निकालेगा, आपको हिरणियों के समान आपके कदमों को कर देगा और आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। उस समय हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें जब हमारी सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तब प्रभु के कारण हम आनंदित होते हैं और हमारे जीवन में अति प्रसन्नता आती है और प्रभु हमें ऊंचे स्थानों पर लेकर के चलता है। आइए हम लोग दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु। विशेषकर प्रभु इस वचन के लिए हम धन्यवादी हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु हमारा भरोसा केवल तुझ पर रहेगा प्रभु, और तेरे कारण हम आनंदित होंगे। तुझ उद्धार करता कि परमेश्वर के कारण हम अति प्रसन्न होंगे और तू हमें ऊंचे स्थानों पर लेकर के चलता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जो इस समय ऐसे कठिन समय से गुजर रहे हैं मानो कि उनके जीवन में अकाल पड़ गया हो। प्रभु तुझसे प्रार्थना है कि उस कठिन समय को उनके जीवन से दूर करें प्रभु, उस अकाल के समय को उनके जीवन से दूर करें, और उनके जीवन में प्रभु आप स्वर्ग के झरोखों को खोल दें प्रभु, और बहुतायत की आशीषों की बरसात प्रभु आप उनके जीवनों में करें प्रभु। उन कठिन समयों से आप उन्हें बाहर निकालें और उनके जीवन में आनंद और प्रसन्नता को आप उनके जीवन में भरें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।